हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विशु, लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। आज की ट्रैवल होने वाली है अहमदाबाद से द्वारका, वो भी जिंग बस से। मैं फ़िलहाल खड़ा हूं एसजी हाईवे पर। रात के बज चुके हैं 10:20 और मेरी बस आने वाली है 11 बजे। तब तक आप लोग ग्लिम्स लीजिए, ग्लिम्स देख के फिर वापस आइए। और हाँ, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ बहुत सारी वीडियोज़ अपलोडेड है, चेक कीजिए, देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप ग्लिम्स देखे आइए, मैं आपको बोर्डिंग दिखाता हूँ। आप लोगों से और एक बात बतानी थी। अभी गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि मेरी जो जिंग बस जिसमें मैं ट्रैवल करने वाला था, उसमें कुछ ख़राबी आ गई है और उसकी जगह दूसरी बस शेड्यूल की गई है। अब कौन सी बस आएगी और उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस का। और ये पूरा एसजी हाईवे देखिए, पूरी रात भर इसमें बसेस चलते रहते हैं, ट्रैफिक है। और लोग यहाँ पे देखिए, रात के 10:30 लोग चाय पानी नाश्ता और पेट पूजा कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को कंटेंट दिखाने के लिए एसजी हाईवे पर खड़ा हूँ। अब बस का टाइमिंग 11 बजे का है, कितने बजे आएगी उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ यार, आपको कंटेंट दिखाना है तो मुझे रुकना पड़ेगा, मेरे को जगना पड़ेगा। और इतना कंटेंट दिखाने के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। लाइक ठोक दो और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे की जर्नी बताऊंगा, लेकिन वीडियो में बने रहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है मेरे चैनल पे, तो देखते रहिए। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ है, हम लोग 15 मिनट डिले चल रहे हैं। और ये देखिए, मेरे ख्याल से भारत रेंज की बस है, पिंक कलर, बहुत शानदार बस। अभी बोर्ड करते हैं, फिर आपको मैं अंदर मिलता हूँ। चलिए भाई, बोर्ड करते हैं। रात के बज चुके हैं 12:02 और हम लोग हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। ये है ड्राइवर दादा जो हमको द्वारका तक ले जाएंगे। और ये स्पीड देख लीजिए, 84 किलोमीटर की रफ्तार से हम लोग तकरीबन सुबह 8:30 के आसपास द्वारका पहुँचेंगे। और रात का नज़ारा तो हाईवे का बहुत ही है। ये है कंडक्टर दादा हमारे साथ, ये भी रात भर हमारे साथ रहेंगे और मैं तो कैबिन राइड कर ही रहा हूँ। हाईवे पे हमारा ट्रैवल ऐसा ही होता रहेगा, आप भी देखिए जरा। रात के बजे है 12:20, तकरीबन 1:20 हो चुका है। हम लोग नेशनल हाईवे 47 पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। अब नींद आ रही है, लेकिन मैंने ट्राई किया कैबिन राइड करके, थोड़ी देर बैठा, आपने व्यू देखा ही होगा। अब थोड़ी देर सोते हैं। और मैंने ड्राइवर दादा से बात किया है, तकरीबन और एक आधे घंटे के बाद एक स्टॉप है, अगर नींद खुली तो ज़रूर बताऊँगा, नहीं तो फिर आपको मॉर्निंग में ही मिलते हैं। वैसे हमारा पहुंचने का टाइम है 8:30, उससे पहले नींद खुली तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि ऑन द वे और क्या क्या है। और हाँ, ट्रैवल के बारे में बता ही रहा हूँ, साथ साथ में इस बस के अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे एक USB चार्जर मिलता है आपको, यहाँ पे एक ऊपर AC वेंट है, इंडिविजुअल लाइट है और एक
ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। अभी सोया ही था कि रात के 1 बज चुके हैं और 1 बजे हम खड़े हैं नेशनल हाईवे नंबर 47 पर, और तकरीबन 114 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद लिमडी के बाद एक स्टॉप लिया है। यहाँ पे एक 15 मिनट का स्टॉप है, होटल अवध करके जगह है, अगर आप देख सकें तो ये है वो होटल अवध, और ये वो हाईवे है जहाँ पर बसें दौड़ रही है और पूरा एरिया सुनसान है। देखिए, हाँ, ये है अपनी बस, भारत बेंस की बस, और अगर आप नंबर देखना चाहोगे तो भाई नंबर तो बहुत बढ़िया है, 7777 एम क्लास। चलो, 15 मिनट के ब्रेक के बाद अब हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई है। 1:30 बज चुके हैं, अब कुछ अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता, अब सोता हूँ और आपको सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट वंस अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग, द्वारका के नज़दीक पहुंच गए हैं, सुबह के बज गए 7:25 और यहां से द्वारका अभी 80 किलोमीटर है। तो ये देखिए कुछ हाईवे का नज़ारा ऐसा है, ये है नेशनल हाईवे 47 और यहां अहमदाबाद से हम लोग आए और यहां हम लोग जा रहे हैं द्वारका के लिए, और अपनी बस खड़ी है वहां पर छोटा सा एक मतलब फ्रेश होने के लिए ब्रेक दिया है। अब ब्रेक के बाद फिर चलेंगे अपने सफ़र के लिए। अब हार्डली 1.5 घंटे की जर्नी है, आपको आगे दिखाऊंगा। वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, और कोई सजेशन है तो फिर भी लिखिए ज़रूर, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़, इतनी मेहनत के बाद इतना तो बनता है। चलो आइए, जिन्होंने रात भर जग के गाड़ी को सपोर्ट किया है। ये आप शायद देख रहे होंगे द्वारकाधीश मंदिर का एरो दिखा रहा है, और मैं कैबिन राइड करते हुए सुबह से 2 घंटे। अगर इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर तो बहुत ही अच्छा था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। ये देखिए 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस तरह से है, इस तरफ 2 बेड्स है ऊपर और नीचे, और नीचे सिंगल है, और टोटल 30 बर्थ्स यहाँ पे अवेलेबल है, और आखिरकार 431 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँच गए द्वारका। बस को बोर्ड करते समय मैं आपको इंटीरियर नहीं दिखा पाया था, इसीलिए मैंने बोला कि जब लास्ट स्टॉप होगा मैं उतरूँगा, उससे पहले मैं आपको इंटीरियर दिखाऊँगा। तो ये है इंटीरियर, आपको कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है? तो मैं अभी उतरता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
ये रही अपनी बस, अब इसको करते हैं टाटा और आज की जर्नी यही ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए।